हे बच्चे, अब तेरे को जेल जाना होगा। जल्दी से चल, पुलिस की गाड़ी में बैठ और सीधा चल चल। अरे इन्होंने तो सही में मुझे जेल डाल दिया, क्या करूं मैं। आओ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंचैन को जेल में डालते हो, आ जाओ जितने जने आ सकते हो आते जाओ। आज तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, जितने पुलिस वाले बुला लो। आ जाओ जल्दी, आ जाओ और आ जाओ। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है सिंचन नहारा और मेरी उम्र 5 साल है। मुझे शिमला मिर्च खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आपको तो याद ही होगा, चिंगम भैया और मैंने बहुत सारी कारें चुराई थी, बहुत महंगी महंगी। पहले ना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या है। अभी मैंने ना लिया मैंने, चलो ऊपर आते हैं। तो चिंगम भैया तो वो गाड़ी बेचने निकल गए। उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, गाड़ियाँ हम है ना नई ले लेंगे, पर जितने पैसे मिलेंगे उससे नई गाड़ी ले लेंगे। इसलिए चिंगम भैया निकल चुके हैं इस शहर के बाहर गाड़ियाँ लेने। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं। अरे बार कोई आया है, चलो उनसे मिलते हैं। और गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। तो अब चलते हैं, देखते हैं कौन आया। और मेरे पास बहुत सारी गन्स भी है। चिंगम भैया ने बोला अपन ने चोरी की है तो गन्स तो रखनी चाहिए। उरी उरी सबार तो पुलिस खड़ी है। अच्छा है मैंने गन बाहर नहीं निकाल रखी थी, कोई बात नहीं, हम डरते थोड़ी ना है। मेरे साथ तो चिंगम भैया है, वो तो खुद ही पुलिस में है। हाँ भाई क्या हुआ। अरे अंकल क्या गन क्यों रख के बैठे हो मेरे ऊपर। हे बच्चे, अब तेरे को जेल जाना होगा। जो तेरा साथी था ना चिंगम, उसको हमने पकड़ लिया न्यूयॉर्क में। साला चोरी गाड़ियां बेच रहा था। हमने सारे कैमरा चेक किए, तुमने बहुत बड़ी चोरी की है। अब कम से कम तो 20 साल के लिए जेल में जाएगा। अरे मैंने कौन सी चोरी की है, क्यों झूठ बोल रही हो। और ये चिंगम कौन है, मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा बेटा, अभी बताऊंगी। वो पुलिस वाला तेरा ही दोस्त है, हमने सारे कैमरा में चेक कर लिए। तुम दोनों आराम से चोरियां कर रहे होगे और हम कुछ नहीं करेंगे। आज तो चल तेरे को जेल में, बताते हैं हम क्या करते हैं। अरे मैंने कुछ नहीं किया है, मैं चिंगम भैया को नहीं जानता। अरे कौन चिंगम भैया, मुझे पता भी नहीं है। कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हो आप। अच्छा देखो, पता नहीं है तो तूने चिंगम भैया कैसे बोला। ए गाड़ी में डालो उसको, चलो रे जेल चलो। अरे ये क्या कर दिया चिंगम भैया ने, मुझे तो जेल में लेके जा रहे हैं ये। अब क्या होगा, अब ये लड़के रहे हैं, लेके चलो जल्दी। अब यार क्या होगा, फ्रैंकलिन भैया भी नहीं है और इन्होंने फ्रैंकलिन भैया के घर को भी सील कर लिया है। अब क्या होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ्रैंकलिन भैया होते तो बिल्कुल सही हो जाता। अरे मैं काश निकल पाता इस गाड़ी से। वो ड्राइवर अंकल 100-200 रुपये ले लो, मेरे को छोड़ दो। अरे यार प्लीज छोड़ दो यार, ऐसा मत करो। अरे मेरे पास तो गन्स भी नहीं है, वरना इसको मार देता इधर की इधर ही। और मैं अकेला ही जा रहा हूँ, ये देखो मुझे अकेला लेके जा रहा है। इसको पता नहीं है कि मुझे पीछे से भाग भी सकता हूँ। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जेल के पास। अरे यार ये तो बहुत ही खतरनाक आदमी निकला। इसको मैंने बहुत बोला पर इसने मुझे नहीं दिए। इसके बीच में पैसे मैंने इसको बोले ले ले, पर इसने नहीं माना और ये मुझे लेके आ गया है जेल में सीधा। और ये क्या किया इसने, अभी इसने तो पीछे का गेट ही तोड़ दिया। इसको लगता है इसको खुद को फर्क नहीं पड़ता। पर यार मुझे क्या करूँ यार, मैं तो सही में जेल में आ गया यार, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ये तो लेके ही जाया जा रहा है अंदर मुझे। अबे कितनी धीरे चला रहा है, लगता है इधर कोई रूल होगा। अरे मैं निकल भी नहीं पा रहा नीचे से, एक तो वैसे ही मैं गाड़ियों के नीचे बैठता हूँ। अबे यार क्या यार, अब क्या करना है मुझे। अच्छा ठीक है, अरे इसने मुझे बोला है कि नीचे उतर के जाओ और सीधे सामने चलते जाओ, कोई होशियारी करी तो मार दूंगा उधर ही। और मेरे पास गन भी है, आपको पता ना, मैंने देखा नहीं था कि मेरे पास शॉट गन तो पड़ी है। इसको मार दूँ क्या, पर नहीं है, मैं अंदर जाके भागने की कोशिश करूँगा। अभी चलते हैं अंदर फटाफट से। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी जनी हैं यहाँ पे। तो अरे ये जिम कर रही है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं छोटा सा बच्चा यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 5 साल का हूँ मैं तो बस। अभी और क्या हो रहा है, लगता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। मुझे तो कुछ दोस्त बनाने होंगे ताकि मैं जेल से भाग सकूँ। कोई तो दोस्त बनना, देखो ढूंढता हूँ कोई दोस्त बन जाए मेरा तो। ओ अंकल भाई कितने साल से हो यहाँ पे। ए बेटा, हमको तो सबको 15 साल हो चुके हैं, अब तुमको भी 15 साल बाद जेल छूटेगी। क्या अब 15 साल से यहाँ पे हो, मुझे भी 20 साल की जेल बोला है। अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है अंकल, अब मैं बाहर कैसे जाऊँगा यहाँ से। चलो देखते हैं और कहाँ पे कितने जने हैं यहाँ पे, पुलिस वाली सही क्या। और ये सामने लगता है ये पुलिस वाला है, ये सिक्योरिटी के लिए होगा यहाँ पे। और भाई टकलू भाई क्या हाल है। अरे यार ये मार वार नहीं दे, अभी मेरे को जाने भी नहीं देगा, इसको मारूंगा चाटा खींचा के, अभी रोने लग जाएगा। अभी और देखते हैं, यहाँ पे भी लोग खड़े हैं, पता नहीं क्या करे जा रहे हैं यहाँ पे। सबने अपनी अपनी गैंग बना ली है, लगता है मुझे सही में रहना ही पड़ेगा जेल में। मैं यहाँ से कैसे भागूंगा, यहाँ पे तो दीवारें भी इतनी ऊंची है, मैं कैसे भागूंगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और सामने बहुत सारी, अरे लड़की तो ऐसे कपड़ों में आ गई है। आंटी यहाँ से जाए ऐसे चल। अरे आंटी तो डर गई, लगता है इधर की मेंबर होगी झाड़ू पूछे वाली। तो देखते हैं और कौन जने हैं यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फ्रैंकलिन भैया कहाँ पे है यार, फ्रैंकलिन भैया मुझे बचाने आ जाओ, चिंगम भैया ने मुझे फंसा दिया। ओ अंकल कैसी हो। 11 मिनट्स लेटर। हाँ मेरा सामान भिजवा देना, कोई दिक्कत नहीं है।
तो भाई मैं आ चुका हूँ वापस से लॉस सेंटोस। इतना काम था मुझे अभी ऑफिस का, पर कोई बात नहीं, मैं आ चुका हूँ। अभी जाऊँगा शिनचैन के पास, मस्त आराम से मज़े करेंगे। मेरे सामने कार भी खड़ी है, फटाफट से चलते हैं शिनचैन के पास, चलेंगे फुल मज़े से, आज घूमेंगे हम दोनों भाई। चलते हैं, बैठते हैं कार में, ये बढ़िया कार मैंने मंगवा रखी थी पहले से ही, कोई बात नहीं, चलो जल्दी से चलते हैं शिनचैन के पास। तो मैं निकल चुका हूँ और मैंने ऊपर का ये खोल दिया है इसका, जो भी होता है मेरे को बोलना नहीं आता, पता नहीं क्या होता है ये। तो जल्दी से चलते हैं शिनचैन के पास और मज़े लेते हैं, और गेट जल्दी खुल जाए। चलो चलो गेट भी खुल गया, फटाफट से निकलते हैं और इसको तो उड़ा के मज़ा ही आता है उसका। तो जल्दी से पहुँचते हैं शिनचैन के पास, बहुत मज़ा देने वाला है आज तो। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, तो यहाँ पे अपनी और मेरी गाड़ी अभी आ चुकी है। मैंने बोल दिया था शिनचैन को, पता नहीं चला क्या उसको, पता नहीं कि मेरी गाड़ी आई है। चलो अंदर सो रहा होगा, चलो चलते हैं, सब पूरा टाइम तो सोते रहता है। और जॉब भी आ चुका है यहाँ पे, मैंने उसको यहाँ पे खड़ा करवा दिया था, उसको बोल दिया था मेरे दोस्त को। तो अभी मैं जाता हूँ सीधा, पहले फटाफट से कपड़े चेंज कर लेते हैं, ये बहुत गर्मी लग रही है मेरे को। तो अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए, जल्दी से चलते हैं बाहर और देखते हैं शिनचैन कहाँ पे। ऊपर वाले फ्लोर पर को यहाँ से चलते हैं सीधा बाहर, कौन अभी ऊपर चढ़ के जाए सीढ़ियाँ, यहाँ से अपने गेट में से घुस जाएंगे सीधा, फटाफट से शिनचैन को मस्त सरप्राइज़ देंगे। अभी ये पुलिस वाले कौन है? ओ भैया क्या हो गया यहाँ पे, क्यों खड़े हो? अबे तू तो कौन है रे? आज हमने यहाँ से एक छोटे बच्चे को पकड़ा है, जेल में डाला है, साले ने बहुत बड़ी चोरी करी थी, सीधा जाकर जेल में डाल दिया उसको। 20 साल की जेल की आवाज़ सुनाई है, उसका नाम पता नहीं क्या था, शिनचैन था, शायद शिनचैन। क्या शिनचैन को जेल में डाल दिया? और गाड़ी चुराई उसने? अबे ये क्या कर दिया, मजाक तो नहीं कर रहे हो? अबे यार इस शिनचैन ने चिंगम के साथ बैठे बैठे क्या कर दिया यार, इसको कैसे निकलवाऊंगा जेल से यार। चिंगम को नहीं पकड़ा इसने, बोला चिंगम को नहीं, सिर्फ शिनचैन को पकड़ा, तो चिंगम कहाँ गया? अबे जल्दी चलना पड़ेगा पहले जेल की तरफ, जल्दी से सेंट्रल जेल में बोला है इसने, जल्दी से चलते हैं सेंट्रल जेल के, वहाँ पे जो सबसे बड़ा जेल है। अबे क्या कर दिया इसने, और 20 साल की सजा। अरे 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 मेरी गाड़ी 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 गाड़ी, आराम से आराम से आराम से। अबे शिनचैन यार क्या कर दिया तूने यार, जल्दी चल पहुँचता हूँ उसके पास। तो अभी मैं आ चुका हूँ जेल के यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं शिनचैन कहाँ पे। और भाई गेट खोल दो, कोई है भी नहीं भाई, गेट कैसे खुलेगा? ओ भाई कोई खोल दो, कोई गेट खोल दो, और खुल गया जल्दी गेट खोल दें, चलते हैं यहाँ पे। ये वाला गेट तो शायद खुलता नहीं हमेशा, हाँ ये वाला गेट तो खुलेगा नहीं, रुक जाओ यहाँ पे कोई ऑफिसर है उससे बात करते, क्या पता इनको बताओ कुछ शिनचैन के बारे में। हाँ ये गेट तो खुल नहीं रहा, इनसे ही बात करनी पड़ेगी। ओ सर भाई शिनचैन के बारे में पता है क्या? ए नीचे उतर पहले। हाँ हाँ उतरता हूँ, आ गया, बोलो क्या हुआ? अरे शिनचैन के बारे में पता है क्या आपको? एक छोटा सा बच्चा है अभी सर, उसके ऊपर इंजाम लगा रहे, कार चोरी करी है उसने। ए उसके ऊपर इंजाम नहीं लगा रहे, उसने सही में कार चोरी करी है, साले को जेल में डाल दिया मैंने, 20 साल के लिए जेल में डाला है, और अगर उसने कोई मस्ती करी ना सीधा इनकाउंटर हो जाएगा उसका। तो क्या इनकाउंटर? अबे ऐसा मत करना यार, वो बच्चा है छोटा सा यार, आप बताओ मैं क्या करूँ यार उसको बेल कराने के लिए उसकी। अच्छा तुम कुछ भी कर सकते हो? हाँ कुछ भी कर दूंगा मैं शिनचैन के लिए, तो कुछ भी कर दूंगा। हाँ तो मेरा एक काम करोगे तो मैं उसको छोड़ दूंगा, उसके ऊपर जितने भी चार्जेस है वो सारे हटा दूंगा मैं। क्या सारे चार्जेस हटा दोगे? ऐसा क्या काम करना बताओ सर ही। वो सब मैं बताऊंगा, पहले बताओ हाँ कि ना। अगर तुमने ना किया तो सीधा कुछ नहीं होगा, अगर तुमने हाँ बोल के जब मैंने तुमको रीज़न बताया कि क्या काम है, फिर तुमने अगर ना किया फिर मैं उसको सीधा इनकाउंटर करूंगा आज। तो नहीं नहीं मैं कर लूँगा काम, हाँ मैं मना नहीं करूँगा, मैं सीधा हाँ बोल रहा हूँ अभी से। हाँ तो एक बात सुनो, मैं तुम्हें एक लोकेशन दूंगा, वहाँ पे तुम्हें जाना है, और जो वहाँ पे जितने लोग हैं जितनी पुलिस है जो भी है सबको मार देना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है, एक बंदा नहीं बचना चाहिए, अगर एक भी बंदा बचा तो शिनचैन समझो गया, जितने भी जने सबको मार देना है तुमको। मैं अभी के भी फ़ोन पे भेजता हूँ वो लोकेशन, और तुम्हें उसको मारना होगा, और उसको मारना उन सबको आसान नहीं होगा, हमने बहुत बार ट्राई किया पर उनकी पुलिस बहुत तगड़ी है, तो मैं कैसे भी करके उनको मारना है, ताकि हम तुमको शिनचैन चाहिए तो तुमको उसको मारना ही होगा। हाँ हाँ मैं मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाता हूँ, तो मेरे को लोकेशन भेज देना, मैं जाता हूँ, मैं उसको मार दूंगा, तो मेरे को जल्दी से लोकेशन भेजो बस, वो मैं जुगाड़ लगा लूँगा, कैसे भी करके मारना है बस, मैं उसको मार दूंगा, मेरे को शिनचैन को कैसे भी करके बचाना है यार, जल्दी से चलते हैं। और ये गेट खोलो रे, वाह गेट खोलो कोई, अबे कोई खोल दो, खुल गया खुल गया खुल गया। मेरे पास एक आइडिया, मैं टोनी स्टार्क के घर जाता हूँ, उनको सब बताता हूँ कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो मुझे ज़रूर हेल्प करेंगे, क्या होता वो अपना सूट चल दे दे मुझे या खुद चल लें मेरे पास, तो भाई ये सही हो जाएगा, मैं जल्दी से पहुँचता हूँ टोनी स्टार्क के घर, और उनकी लोकेशन भी मेरे पास मैसेज तो आई है, जल्दी से पहुँचते हैं टोनी स्टार्क के घर। और मेरी गाड़ी एक तो मेरे पास गन्स भी नहीं है ज़्यादा, इसलिए मुझे टोनी स्टार्क के घर ही जाना पड़ेगा, वो ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, तो फटाफट से पहुँचते हैं टोनी स्टार्क के घर पर। तो अभी मैं बस पहुंच गया हूँ यहाँ पे अपनी, यहाँ पे जल्दी से डालते हैं, और मैं ड्रिफ्ट को मार रहा हूँ, अभी ड्रिफ्ट मारने का टाइम नहीं है यार, शिनचैन को बचाना, जल्दी से चलते हैं अंदर, और यहाँ पे अंदर लेते हैं आराम से, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं यार। पता नहीं शिनचैन ने एक तो क्यों करता है वो समझ नहीं आता मेरे को, इसको अपने साथ ही लेके जाना पड़ेगा हर बार, अब कभी जाऊँगा तो मैं कहीं पर, क्योंकि मेरे को ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, मेरे को काम तो बहुत होंगे। सीधा अंदर ले लिए मैंने गाड़ी, अब जल्दी देखते हैं टोनी स्टार्क घर पर है कि नहीं, यहाँ पे लगा लेता हूँ अपनी गाड़ी, और सामने टोनी स्टार्क खड़े जल्दी, और भाई बहुत बढ़िया, पर मेरे को लगा कहीं चले नहीं गए होंगे। अरे भैया जल्दी जल्दी सुनो सुनो,
आओ फ्रैंकलिन आओ, बोलो क्या काम है। अरे डोनी भैया आपको पता नहीं है यार, ये शिनचैन ने क्या कर दिया, साले ने सीधा जेल चला गया है वो 20 साल के लिए। उसने पता नहीं कौन सी गाड़ियाँ चुरा ली वो चिंगम के साथ, तो उसको पुलिस पकड़ के ले गई, वहाँ पे चिंगम को भी पकड़ लिया। चल कह रहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने अभी पुलिस वाले से कुछ जुगाड़ लगा के उसने बोला है कि एक जगह जाना है, उन सबको तुम्हें मारना है, वहाँ पे जितने भी जने होंगे सबको मारना है, पुलिस वालों को भी मारना है, उनको कैसे करके मारना होगा, मैं शिनचैन को छोड़ दूंगा, उसके ऊपर जितने भी चार्जेस है सारे हटा दूंगा, और वहाँ पे सारे बंदे मरने चाहिए, उसने ये बोला जरूर, अगर एक भी बच गया तो वो शिनचैन को सीधा इनकाउंटर करके उड़ा देगा। अरे ये तो बहुत ही बुरी बात है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरा सूट ले लो और वहाँ पे जाकर सबको मार दो। मैं अभी नहीं चल सकता क्योंकि आज मेरे को अवेंजर्स की मीटिंग में जाना है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है, वरना मैं ही चल लेता। तुम मेरा सूट पहन लो, अभी तुमको मैं अपना सूट पहना दूँ जार्विस। अरे वाह, मैं आपको यही बोलने वाला था कि मेरे को आपको सूट दे दो, आप तो चल नहीं रहे, तो बहुत ही बढ़िया यार, मैं जल्दी से चाहता हूँ फिर इंजन को बचा के आ, तो और ये मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी है, देख लेना ढंग से, उड़ा उड़ा मत देना मेरी गाड़ी, जल्दी से पहुँचते हैं। शिनचैन ने मुझे कुछ सूट के बारे में बताया, जब वो अरेंजमेंट बना था तब उसने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे ये चलता है सूट, जल्दी से पहुँचते हैं अब अपने पास। जार्विस मुझे जल्दी से पहुँचा दो उस लोकेशन पर, और मैं फ़ोन को चला रहा हूँ जार्विस को, बोल देता हूँ ना फालतू में, जार्विस जल्दी से लोकेशन सेट करो, मुझे शिनचैन को बचाना होगा, बस मुझे जल्दी से उनको सबको मारना है और शिनचैन को जाके बचाना है कैसे भी करके। यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा शिनचैन ने क्यों किया यार, एक तो जल्दी से पहुंचता हूँ मैं उस लोकेशन पे, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ उस लोकेशन पे, यहाँ पे ही है, मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ ताकि किसी को दिखे नहीं, मैं पहले देख भी लूँ कितने जने क्या है, उस हिसाब से मारना पड़ेगा उनको। तो यहाँ पे मैं उतर जाता हूँ, वो देखो सामने हो गए भाई बहुत सारे जने, और पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा, ऊपर भी देखो ये पुलिस वाले खड़े हैं, और उधर भी कोई है भाई, यहाँ पे आर्मी वाले भी हैं भाई, कैसे मारूंगा मैं उनको, पर मेरे को अरेंजमेंट का सूट है, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे पास, तो पहले यहाँ पे उतरते हैं। ओ भाई 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 क्या हो गया इसको, भाई इसको पता तो नहीं चला, मेरे पास गन तो है नहीं, मैं सोचा गन को मार दूंगा, चलो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और इनको मारना चालू करते हैं, और ये गए सबके सब, मरो 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 जल्दी मरो जल्दी मरो, तो यहाँ पे सबको मारा, सबको मारते हैं फटाफट, थोड़ा दूर जा जाके मारूंगा, किसी को भी बचने नहीं देना, मैंने जो जितने जो नॉर्मल इंसान थे सबको तो मार दिया ताकि वो भाग नहीं सके, पहले नॉर्मल इंसान को मारता हूँ, ये पुलिस वाले तो भाग मेरे को मारेंगे वैसे ही, ये चाहेंगे कि मैं मरूं, पर मैं तो मरूंगा नहीं, इनको पता नहीं है, तो इधर पहले सबको इंसान नॉर्मल इंसान है जो सिटीजन है उनको मारते हैं फटाफट फटाफट, ये आरपीजी दूंगा इनको, तो भाई मज़ा आ रहा है एकदम मारने में, शिनचैन को बचाना है इसलिए मुझे मारना ही पड़ेगा इनको, ये मरो 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 सब मर जाओ सब मर जाओ सब मरो सब मरो, ये बच्चे क्या डर रहा है कि मेरे को बच्चे के, सारे पुलिस वाले इसको बच्चा बोल दिया मैंने, वो कोई भी नहीं बचा लगता है, बहुत कम जने बचे हैं, नॉर्मल वाले इंसान तो सबके सब मर गए, बस ये आर्मी वाले और ये बाकी, और ये साले हेलीकॉप्टर वाले, अभी तेरे को बताता हूँ, ये ले मर जा अभी इसको तो कुछ हो नहीं, रुक जा अभी बताता हूँ, ये वो गया, एक और बचा था ना, हाँ ये रहा ये गया, तो इनको मार दिया, और भी पुलिस वाले आते जा रहे हैं, सबको मारते हैं फटाफट से, और जैसे ही थोड़े कम हो जाएंगे यहाँ से निकल जाऊंगा, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं ताकि और पुलिस वाले नहीं आ जाए, और ये गया, मेरी पावर थोड़ी कम होती जा रही है, मैं दूसरी पावर ले लेता हूँ, और यहाँ पे एकदम पहले लोकेशन सेट करते हैं, और ये बम ये ले, और ये देखते हैं इनको भी मारते हैं फटाफट से, और देखते हैं बहुत सारे जने बचेंगे, अभी भी दूसरा पावर देखनी पड़ेगी मेरे को, ये चेस्ट और ये ले, और मेरे पास पावर ख़त्म हो रही धीरे धीरे, और ये ले, ये मैं मिसाइलों से मारता हूँ इनको, जल्दी मरेंगे ये, और देखते कौन बचा है, सामने थोड़ी जल्दी बचे हैं, जल्दी इनको भी मार देता हूँ मैं, मरो मरो जल्दी मरो जल्दी मरो, लगता है खाली नहीं एक और बचा है, अब इनको मार के फटाफट से निकलता हूँ मैं, ऐसे पहले एक बार देख लेता हूँ कोई बचा तो नहीं, वरना वो साला शिनचैन को छोड़ेगा नहीं, इनको मार देते हैं एक एक बार, इन सब के ऊपर एक और बार लेज़र चला दिया ताकि कोई जिंदा ही बचा हो तो मर जाए, और ये मैं अटक गया, अरे यार एक तो फायर ब्रिगेड अभी इनको देखा नहीं हुआ, रुक जाए इनको मार ही देते हैं, ये मर जा अभी इनको तो कुछ से कुछ नहीं हो रहा, अभी बताता हूँ इनको, ये बूम सबके सब गए, अरे ये बच गया, ये गया, जल्दी से अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, कोई और पुलिस वाला नहीं आ जाए, पहले देख लेता हूँ एक बार, अबे तू कहाँ बच गया, ये साले ये ले, तो जल्दी से निकलते हैं फटाफट यहाँ से, क्या जल्दी से मैंने सबको मार दिया भाई, कितने सारे जने थे पर वो सब आयरन मैन की सूट की वजह से हुआ है, तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे आयरन मैन के पास, तो जल्दी से मेरा सूट ले लो, मेरे को जाना है शिनचैन के पास उसको बचाने, जेल में से मैंने सबको मार दिया है, जल्दी सूट ले लो मेरा, तो अभी मेरा इनने सूट ले लिया है, मैं निकल रहा हूँ, मैंने इनको बोल दिया कि बाद में आके शिनचैन को आपको मिला दूंगा, तो फटाफट चलते हैं मेरे शिनचैन के पास, उसको अपनी ज़रूरत है, तो उसने एक तो कांड इतना बड़ा किया है, चलो कोई बात नहीं, मैंने उनको सबको मार तो दिया, वो पुलिस वाला सबको दे देगा, मतलब मेरे को शिनचैन को, जल्दी से पहुँचते हैं मैं जेल के वहाँ पे, जल्दी से भगाऊंगा मैं, सीधा पहुँचूंगा जेल के वहाँ पे, और सीधा जाएंगे अपन शिनचैन और मैं इधर आ जाएंगे, और ये अरे अरे मेरी कार, आराम से जल्दी से पहुँचते हैं अब, तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ जेल के वहाँ पे, अब जल्दी से पहुँचते हैं, और सीधा उनको बोलते हैं कि मैंने सबको मार दिया है, वैसे उनको पता ही चल गया होगा, अब जल्दी से यहाँ पे लेते हैं, और मेरी कार, अरे अरे किसी देखा तो नहीं ना, हाँ नहीं देखा, और ये आने लगे मेरे पास, चलो मैं कार वहाँ पे लगा देता हूँ, और इनसे बात करते हैं फिर क्या है, फटाफट जल्दी से सीन यहाँ पे लगा देता हूँ मैं अपनी कार, और इनसे बात करते हैं,
हाँ भाई, मैंने उनको मार दिया, शिनचैन उन सबको मार दिया। जल्दी से मेरे को शिनचैन दो यार, मेरे को जल्दी से उसको मिलवा दो, बस जल्दी दिलाओ। हमने तुम्हारी खबर सुन ली है, हमको पता चल चुका है कि तुमने शिनचैन को मार दिया। आओ, हम तुमको शिनचैन को हम बेल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुमने हमारा काम किया, हम तुम्हारा काम करेंगे। तो अभी शिनचैन आ चुका है। अरे भाई शिनचैन, क्या क्या कांड कर दिए तूने यार, तू समझता नहीं तू क्या क्या कर देते। ले पहले चल यहाँ से, सायरन बजने लगे, पता नहीं क्या हो रहा है। भाई निकल यहाँ से, पहले तो मेरी कार कहाँ गई? अरे वहाँ पे खड़ी है, जल्दी चल शिनचैन, तेरे बात करेंगे। पहले चलते हैं अपन गाड़ी में बैठ के बात करेंगे, जल्दी गाड़ी में बैठ दो फटाफट से, एकदम से जल्दी बैठ, जल्दी जल्दी कर। पता नहीं क्या क्या करता रहता है, दिमाग दिमाग नहीं कि चिंगम के साथ चोरी करने निकल गया, बिल्कुल के पागल हो गया क्या? चिंगम तो पता नहीं कहाँ निकल गया, उसको ही बोल रहे पुलिस ने पकड़ लिया, उसको भी शायद छोड़ देंगे। अरे पुलिस वाले कहाँ गए? चलो चलो जल्दी से चलते हैं अब यहाँ से। ले शिनचैन अब बता तूने क्या किया ये? अरे बेगी भैया यार, सॉरी यार, मैं अब लीग वैसे नहीं करूँगा, अब मेरे को नहीं बोलो, पुलिस वाले ने बहुत परेशान किया मेरे को। तो गाइस अभी हम चाह चुके टोनी स्टार्क के घर, वो टोनी स्टार्क तो निकल चुके हैं अपनी मीटिंग के लिए। तो मैंने शिनचैन को समझा दिया है, वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेगा, शिनचैन समझ गया ना? अरे हाँ हाँ थैंक यू भैया, मैं समझ गया हूँ, मुझे कभी भी चोरी नहीं करूँगा, सिर्फ चोरी करूँगा तो आपके साथ ही करूँगा। तो गाइस आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, थैंक यू भैया ने मुझे बचा लिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।